हमें मालूम भी नहीं होता है कि हमारी थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है दोस्तों। मगर कई लोग इस बीमारी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं, मगर इस बीमारी से भी हमारे शरीर को काफी हानि होती है। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि यह बीमारी आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि थायराइड क्या है, थायराइड क्यों होता है और इससे आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर में गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि हार्मोन बनाती है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, बॉडी की एनर्जी लेवल को कंट्रोल में रखती है, डाइजेशन को कंट्रोल में रखती है, शरीर में प्रोटीन के उत्पादन को कंट्रोल करती है और आपके शरीर में जो दूसरे हार्मोन होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करती है। और दोस्तों, हम जो भी खाते हैं यह ग्रंथि उस भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके साथ ही यह हार्ट, किडनी, लीवर, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो दो हार्मोन्स बनाती है। पहला हार्मोन होता है ट्राईआयडोथायरोनिन यानी T3 और दूसरा होता है थायरॉक्सिन यानी T4। जब इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और जब थायराइड ग्रंथि सही से इन हार्मोन्स को नहीं बना पाती है तो इसे थायराइड की बीमारी कहा जाता है और यह पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। थायराइड दो तरीके का होता है। पहला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स पैदा करती है, और दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम हार्मोन्स पैदा करती है। अगर थायराइड का इलाज सही समय पर न किया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो उसको घबराहट, थकान, सांस फूलना, मूड बदलना, घेंगा रोग होना, दिल की धड़कन तेज होना, गर्मी ज्यादा लगना, कम नींद आना, अधिक प्यास लगना, आंखों में लालपन और सूखापन होना, बाल झड़ना, वजन कम होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसे थकान, नाखूनों और बालों का कमजोर होना, त्वचा का रूखा व पतला होना, बाल झड़ना, सर्दी ज्यादा लगना, मांसपेशियों में अकड़न, गला बैठना, मानसिक तनाव और वजन का बढ़ना जैसे लक्षण दिखेंगे। यह थायराइड के शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर थायराइड का सही समय पे इलाज नहीं किया तो यह शरीर में गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। दोस्तों, थायराइड होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आजकल थायराइड ज्यादा होने का सबसे बड़ा कारण आजकल की बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, जिसमें गलत खाने पीने की आदत होती है और इसके अलावा भोजन में आयोडीन की कमी से भी थायराइड हो जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा आयोडीन खाने से भी थायराइड हो सकता है। दोस्तों, अक्सर तनाव में रहना थायराइड होने का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा यह हेरिडिटी भी होता है या कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम होने पर बादाम और अखरोट खाने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें सिलेनियम नामक पदार्थ होता है जो थायराइड की समस्या को खत्म करने की क्षमता रखता है। और थायराइड के पेशेंट को तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चीनी भी नहीं खानी चाहिए और कॉफी का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु या खाने की चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें ग्लूटेन का इस्तेमाल किया हो, और सोयाबीन या सोयाबीन से बनी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, 30 साल के बाद में हर एक महिला और पुरुष को अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर इसमें थायराइड की प्रॉब्लम नजर आती है तो इसका इलाज समय पर जरूर कराना चाहिए, नहीं तो आपको हेल्थ से जुड़ी बहुत सी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको यह